500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक में ना जमा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिनके पास किसी वजह से पुराने नोट अब भी बच गए हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़े 14 मामलों का निपटारा करते हुए कहा कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पेटिशनर से कहा कि वो अपनी अर्जी उस संवैधानिक पीठ के पास ले जाएं जो नोटबंदी पर सुनवाई कर रही है। इन पेटिशनर्स ने 31 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट जमा नहीं किए जाने के मामले में अर्जी डाली थी। हम आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोटबंदी को 1 साल पूरा हो रहा है।